Here you can see the structures of diagrammatic representation of glucose in the glycolysis cycles. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स में जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है कि कैसे जो है कितने, अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो है वो स्टेप बता रही हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से स्टार्टिंग होती है, ग्लूकोज इज ए सबस्ट्रेट और जहाँ से जो है वो साइटोप्लाज्म में है, फर्स्ट स्टेप जो है वो ग्लूकोज का वो स्टार्ट होता है और ग्लूकोज जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड देन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय यूजिंग द अनदर एंजाइम फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज कन्वर्टेड इनटू द फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इज ए आइसोमर. ठीक है, ये आइसोमर है एक दूसरे के, आप देख ही पा रहे हैं ना, 6 कार्बन कंपाउंड, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हो रहे, जस्ट पोजीशन चेंज हो रही है फॉस्फेट की. ठीक है, तो ये आइसोमर है. ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है. ये एक रिवर्सिबल स्टेप है. ठीक है, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल स्टेप भी कॉल करते हैं. और फिर अनदर जो है वो बाय यूजिंग एंजाइम फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज एंड द आल्सो एज ए कोफैक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड है, जैसा कि फर्स्ट स्टेप में भी था मैग्नीशियम 2+. ठीक है, और इसमें भी इस प्रोसेस में भी क्या हो रही है, एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है. ठीक है, एनर्जी लग रही है. एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है, एटीपी में. और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया है, फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट के अंदर. ठीक है, अब आगे जो है फर्दर जो है रिएक्शन जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, उसका ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, किस एंजाइम्स की हेल्प से, एल्डोलेज. एल्डोलेज एक ऐसा एंजाइम है जो जिंक प्लस 2 के प्रेजेंस के अंदर क्या करता है, 6 कार्बन कंपाउंड को 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर ये ब्रेक डाउन कर देता है. जैसे कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, आप देख ही पा रहे हैं, एक तो वो बनाता है एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा किसमें तोड़ता है, कीटोन के अंदर. इसलिए यहाँ पे जो है आपको जो मेन कंपाउंड बने हैं वही मैंने लिख के दिखाए हुए हैं, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. फर्दर जो है नेक्स्ट जो है ये रिवर्सिबल स्टेप, सॉरी रिवर्सिबल स्टेप आ जाता है. ये फर्दर जो है ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये कन्वर्ट होते हैं 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट. सेम वे यहाँ पे मैं एक की साइकिल बना के आपको दिखाऊंगी, सेकेंड की आपको समझ लेनी है कि एसिड प्रोडक्ट बनता है. जैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी फर्दर जो है वो 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा और ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट भी सेम बनाएगा. ठीक है.